पाकिस्तान को आए दिन अपने ही लोगों के कारनामों की वजह से पूरी दुनिया में जलील होना पड़ता है। इसका हालिया उदाहरण है कराची के ड्रीम बाजार मॉल में हुई लूटपाट। दरअसल पाकिस्तान मूल के एक कारोबारी जो विदेश में अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत करके और करोड़ों रुपए का निवेश करके कराची शहर में एक मॉल बनवाया था, जिसका नाम ड्रीम बाजार रखा गया था। सपनों जैसे बड़े और भव्य इंटीरियर के साथ इस मॉल की ओपनिंग की गई। साथ ही लोगों को लुभाने और बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े ऑफर की भी घोषणा की गई। लेकिन जल्द ही इस ड्रीम बाजार मॉल को बनाने वाले बिजनेसमैन के खुद के सपने टूट गए। मॉल की ओपनिंग होने के आधे घंटे के अंदर ही पूरे मॉल को कराची की कंगाल जनता ने लूट लिया। लोग कपड़े जूते सहित घर और किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान तक को भी चुरा ले गए। घंटे भर में पूरा मॉल किसी उजाड़ हवेली की तरह नजर आने लगा। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो दुनिया भर के लोग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वहां की जनता को भी कोसने लगे और ये सवाल करने लगे कि ऐसे देश में कोई कारोबारी क्यों ही बिजनेस करने जाएगा। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिंदी न्यूज़.लाइव।